हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट ईएक्सपीआर कीवर्ड। अब इसमें हमने इसका नाम कॉन्स्ट ईएक्सपीआर फंक्शन लिखा है क्योंकि हमारे पास ये फंक्शंस में अलाउड होता है यूज करना। अब इससे पहले हमने कॉन्स्ट यूज किया है कीवर्ड, बट उसकी एक ड्रॉबैक होती है कि वो नॉन मेंबर फंक्शंस के साथ यूज नहीं हो सकता, फिर अगर मेंबर फंक्शन स्टैटिक है उनके साथ नहीं यूज हो सकता और कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज हो सकता। तो इसको दूर करने के लिए C++ 11 में हमारे पास const expr कीवर्ड आया जो वेरिएबल्स और इन कंडीशंस जो const के साथ, जैसे कि नॉन मेंबर फंक्शंस, स्टैटिक फंक्शंस या स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, या फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर्स, उन सभी के साथ यूज हो। तो इसको देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्ट, पहले कॉन्स्ट की रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्ट ईएक्सपीआर कीवर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है C++ 11 में। अब कॉन्स्ट की जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो हमें क्या करता है कि किसी वैल्यू को कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर लेता है और उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो एरर देता है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज को डिक्लेयर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो इससे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस कुछ होती हैं, जो कि ये क्या होती है कि कॉन्स्ट जब भी कॉम्पुटेशन करेगा या वैल्यूएशन करेगा वो रन टाइम के ऊपर परफॉर्म की जाती है, रन टाइम के ऊपर वो अपनी वैल्यूएशंस करता है। दूसरा कि वो अलाउ करता है वेरिएबल्स को एज रीड ओनली, बट वो अप्लाई होता है नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को। इसका ये मतलब है कि अगर एक क्लास में हमने यहाँ पे स्टैटिक अगर नहीं लिखा हुआ तो उस केस में ये चल जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एरर शो की हुई है कि ये अगर स्टैटिक लिख दोगे तो प्रॉब्लम है, पर अगर ये नॉन, अगर आप यहाँ पे जैसे स्टैटिक लिखा हुआ और कॉन्स्ट लिखा है तो ये एरर आ जाएगी कि यू कैनॉट यूज दिस, बट अगर ये नॉन स्टैटिक है तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो उस केस में जैसे कि स्टैटिक अगर नॉर्मल यूज करें तो ओके है, बट अगर कॉन्स्ट लगा देंगे, कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन बनाएंगे तो एरर आ जाएगा। इसी तरह इट कैनॉट बी अप्लाइड टू नॉन मेंबर फंक्शंस, जैसे कि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, यहाँ पे हमने इसको कॉन्स्ट दे दिया है, ठीक है, तो कॉन्स्ट देने पे ये फिर हमें एरर देगा, ना ही इसको कंस्ट्रक्टर्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ, और इसकी एक डिफॉल्ट होती है एक्सटर्नल लिंकेज, ठीक है, अगर हम उसको एक्सप्लिसिटली अगर इंटरनल बनाया ना हो स्टैटिक के साथ तो अब उसकी बाय डिफॉल्ट लिंकेज भी एक्सटर्नल होती है, यानी कि वो एक्सेसिबल हो जाता है अदर ट्रांसलेशन यूनिट्स के साथ। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्ट की कुछ एक ड्रॉबैक की तरह की, रन टाइम के ऊपर वैल्यूएट होगा तो इस प्रॉब्लम को, और साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नॉन मेंबर फंक्शंस, जैसे कि ये नॉन मेंबर फंक्शन है इसके साथ हम कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते। फिर इसकी बात करें इसके अलावा कि हमारे पास अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसके साथ कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते, ना ही कंस्ट्रक्टर्स के साथ। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए हमारे पास C++ 11 में const expr कीवर्ड आया जो किसके साथ यूज हो सकता है, वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ और कंस्ट्रक्टर्स के साथ, यानी कि उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया गया है। और ये अवैल्यूएट होता है कंपाइल टाइम पे, ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है कि अगर ये कंपाइल टाइम पे अवैल्यूएट होता है कि इसकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और इसका फायदा क्या होता है, इट कैन बी अप्लाइड टू फंक्शंस मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर फंक्शंस एज वेल एज कास्ट क्लास कंस्ट्रक्टर्स। और इस क्योंकि ये एवेल्युएट होता है कंपाइल टाइम पे, तो जो भी ये वैल्यू एवेल्युएट करता है उसको ये यूज कर सकता है प्रोग्राम में। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम आपको शो करते हैं कि कॉन्स्ट और कॉन्स्ट ईएक्सपीआर में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम के अंदर नॉन मेंबर फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है। इस नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर हमने दो नंबर्स का ऐड किया है, ठीक है, और उसके अलावा हमने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और साथ में एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है। अब अभी तो आपको इस कोड में कॉन्स्ट ईएक्सपीआर आ रहा है, मैं इसको चलाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये देखिए मैंने नीचे इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ मैं यहाँ पे इसमें चेंजेस करता हूँ कॉन्स्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं इस मेंबर को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे इसको कॉन्स्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि इसको मैंने ऐड को कॉल किया है और यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट भी अगर कॉन्स्ट देता, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है
कि इस केस में यहाँ पे एक नॉन मेंबर फंक्शन के साथ कॉन्स्ट नहीं लग सकता। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, यहाँ पे देखें कि नॉन वही जो मैंने आपको एरर शो की है कि नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्स्ट। ठीक है, अब इस एरर को मैं दूर करता हूँ बाय यूजिंग कॉन्स्ट टी एक्स पी आर। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट टी एक्स पी आर और इस कॉन्स्ट को हटा देते हैं और उसको भी मैं वहां पे भी कॉस्ट ई एक्स पी आर, वैसे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैंने उसको कॉस्ट ई एक्स पी आर। अब इसी तरह अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हमने कॉस्ट ई एक्स पी आर दिया है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉस्ट दे देता हूँ, अब ये देखते हैं कि एरर देता है कि नहीं। अब ये देखें यहाँ पे भी वो एक इंडिकेटर कर रहा है एक्सपेक्टेड अ ब्रैकेट, क्योंकि ये भी एक एरर ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैन नॉट बी ए मेंबर, ठीक है, इज एन एग्रीगेट, ये कुछ और तरह से एरर दे रहा है बट ये एरर आएगी। ठीक है, तो इस केस में भी इसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि बट ऑब्वियस ये जो हमने असाइनमेंट किए ये हम कंस्ट्रक्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे होती है यहाँ पे, पर ये कंस्ट्रक्टर को असाइन करने के लिए ये एक वे होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया, अगेन उसको मैंने कॉन्स टी एक्स पी आर दिया। अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कॉन्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे देखें इट कैनॉट बी यूज विद द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इट कैन नॉट हैव अ सीवी क्वालिफायर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपके कॉस्ट टी एक्स पी आर आया क्यों था, ये इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस 11 में आया था। अब इसको मैं एक बार ही चला के देखता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखो किया क्या हुआ है, ये फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन कॉल होगा और इसका रिजल्ट भी एक कांस्टेंट में स्टोर कर लिया, वो प्रिंट कर देंगे। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। और क्योंकि ये स्टैटिक है तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास को यूज किया हुआ है और उसके अलावा हमने एक वेरिएबल ये भी शो किया है कि यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से पास हो सकती है। बट अगेन एक्स की वैल्यू ये कंपाइल टाइम पे डिटर्मिन कर लेगा। यहाँ पे बस याद रखना है कि कॉन्स्ट टी एक्स पी आर जो होता है इट कैन एवेल्युएट एट कंपाइल टाइम और उसकी कंपाइल टाइम पे वैल्यूएशन होने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो इसको अब हम ये तीनों केसेस देख लिए, नॉन मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, इनके साथ अब इसको यूज किया है। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। इसकी खासियत क्या है कि ये रन टाइम की जगह जैसे कॉन्स्ट रन टाइम पे चलता है ये कंपाइल टाइम पे एवेल्युएशंस परफॉर्म करता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने हम एक वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉर द टाइमिंग आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हमें कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है कि कॉन्स टी एक्स पी आर फंक्शंस, ये बेसिकली फंक्शंस वर्ड इसलिए यूज किया, नो डाउट ये वेरिएबल्स के साथ यूज होता है बट कॉन्स्ट के जो नॉर्मल हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि कुछ खास किस्म के फंक्शन जैसे कि हमारे पास नॉन मेंबर फंक्शन जैसे हमने एग्जांपल में देखा, या फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हो या फिर हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हो उनमें यूज नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमने फिर कॉन्स्ट टी एक्स पी आर यूज किया। तो इसलिए हम ज्यादातर उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं क्योंकि कॉन्स्ट अगर हम वैसे यूज करेंगे तो वो तो यूज हो ही सकता है वेरिएबल्स के साथ। तो इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शंस को हाईलाइट किया कि फंक्शंस के केस में क्या डिफरेंस आता है। तो इसको आप यहाँ पे देखा कि हमने उसको प्रीफिक्स किया विद द कॉस्ट टी एक्स पी आर कीवर्ड, जब भी हमने फंक्शन लिखा था हमने उसको प्रीफिक्स किया बट जो कॉस्ट लिखा जाता था वो एंड में लिखा जाता था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, evaluated at compile time, जैसे कि हमने बताया, और क्योंकि इसकी वैल्यूएशन कंपाइल टाइम पे होती है तो वैल्यू कैन बी रिटर्न्ड एंड यूज्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि कई केसेस में वैल्यू रिटर्न टू बी यूज्ड, ठीक है, एज एन, अब इसकी जो वैल्यू रिटर्न होती है इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे कि एरे इनिशियलाइजेशन के काम में आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमने एरे का साइज पहले से हमें बताना पड़ता है ना कितना होता है तो उसकी वैल्यू किसी फंक्शन के साथ कैलकुलेट करो और वो फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दो, या फिर इनिशियलाइज अ वेरिएबल या टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज हो सकता है। कई C++11 में कहा कि हमारे पास एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए थी उस फंक्शन में बट 14 में उन्होंने ये प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर लिया। तो इसलिए आजकल आप मॉडर्न कंपाइलर जो कि लेटेस्ट वर्जन के साथ जब आप उसको यूज करते हैं जैसे VS कोड में तो ये एरर आती ही नहीं है। फिर इसमें एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे सब कुछ करता है तो रिमूव्स फंक्शन कॉल ओवरहेड, एक तरह से इम्प्लिसिटली इनलाइन फंक्शन कॉल्स बन जाते हैं
विद कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो एक तरह से इनकी कॉल क्योंकि कंपाइल टाइम पे हो रही है, तो ये एक तरह से इसमें वो कहता है कि फंक्शन कॉल की जरूरत नहीं है, तो इम्प्लिसिटली ये इनलाइन होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इम्प्लिसिटली इनलाइन होते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, अलाउज फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड पोटेंशियल परफॉर्मेंस बेनिफिट, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हो रहा है तो इसलिए वो परफॉर्मेंस बेनिफिट्स होगा, रिमूव करेगा फंक्शन कॉल, इम्प्लिसिटली इनलाइन कर देगा। तो इस तरह फिर कहता है व्हेन यूज्ड विद वेरिएबल्स इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद अ कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो एरर देगा। ये और कुछ और कंडीशंस अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू और इसके यूजेस देखते हैं। अब हम आपको सबसे पहले आगे चलने से पहले आपको इसका यूज बताते हैं कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, एक कोड के अंदर क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक HCF नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब इस HCF के अंदर हमने HCF कंप्यूट किया। अब ये वैल्यू क्योंकि हमने const TXPR लिख दिया तो ये वैल्यू कंपाइल टाइम पे एवेल्युएट करेगा, और क्योंकि आपको मालूम है कि एरे का साइज हमें पहले से कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए, रन टाइम के ऊपर नहीं, कंपाइल टाइम पे हमें, क्योंकि एरे एक मैक्सिमम साइज हमें पहले से देना होता है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी रिजल्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे तो वो एरर दे देगा अगर एरे एरे के केस में। तो कंपाइल टाइम पे वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ऐसा अगर कोई फंक्शंस की वैल्यू को कंप्यूट करके उसको वैल्यू को यूज करना है, और बट ऑब्वियस अगर एरे इनिशियलाइजेशन है तो कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए, तो उस केस के लिए ये बहुत ही एडवांटेजेस होता है। तो हम इसको एक बार रन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये देखिए नॉर्मली चलेगा, एरे की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है। तो इस तरह से एरे की जो मैक्सिमम साइज है, जो हमने इसको कहाँ से ढूंढा है, वो फंक्शन को एवेल्युएट किया है, उस फंक्शन में हमने यहाँ पे HCF लिखा है। आप कोई और फंक्शन भी बना सकते हैं, बट वो फंक्शन कंपाइल टाइम पे चलना चाहिए, इसलिए हमने उसको const TXPR के साथ लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होता है। अब हम और भी चीजें देखते हैं एक एक करके अपने पिछले कोड में और आगे भी देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं const EXPR, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, और उसका नाम लिख लेते हैं ग्लोबल, ठीक है, और उसको वैल्यू दे देते हैं 50। अब ये चीज का ध्यान रखना, पहले तो मैं आपको यहाँ पे सेमी कॉलन डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग एक हमने गलत की है तो वो हमें एरर शो कर रहा है, ठीक है, const TXPR। अब मैं इसको यहाँ पे वैल्यू को एड कर देता हूँ, ओके, नाम ग्लोबल, ऊपर भी ग्लोबल की जगह ग्लोबल वेरिएबल लिख लेते हैं, ओके। तो अब इस केस में आप देखें कि अगर हमने इसको यूज किया है और अब इसको रन कर रहे हैं तो ये चल रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू की जो भी इसकी वैल्यू 50 के अंदर वो वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। इसके बिना आपको मालूम है कि 5 और 10 ऐड कर रहा था। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप const TXPR वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसको उसी लाइन में इनिशियलाइज कराना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं सेमी कॉलन डाल के यहाँ पे लिख दू एक्स इज इक्वल टू 5, तो अगेन मिसिंग इनिशियलाइजर। यहाँ पे वो कह रहा है कि इनिशियलाइजर मिस हो रहा है क्योंकि अलाउड नहीं है कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये जो एरर होती है ये कॉमन एरर है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप const TXPR यूज कर रहे हैं कि आप इनिशियलाइजर मिस नहीं कर सकते। एक ही लाइन में लिखेंगे तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको अब ये देखे अब नहीं दे रहा। तो ये चीज का आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि आप उस केस में क्या। फिर दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे अब ये अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये हम नॉर्मली लिखते आए हैं और ये चल पड़ेगा, बस ये इसका होता है कि ये वैल्यू को हम अंदर जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट हम इसके साथ अगर कॉन्स्ट EXPR लिखते हैं तो अब ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, इनवैलिड स्पेसिफायर। तो इसका ये मतलब है कि कॉन्स्ट तो अलाउड है पर कॉन्स्ट EXPR हम किसी पैरामीटर के साथ नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप const जरूर लिख सकते हैं पर const के साथ const EXPR वाला इस तरह से पैरामीटर्स के लिए नहीं दे सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बट ऑब्वियस है वैल्यू है, तो इसको अगर हम वैल्यू को अगर हमने const दे दिया तो इसको हम, ये आप सभी को मालूम है कि इनिशियलाइज वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 12 कर देता हूँ तो अगेन ये मुझे एरर देना चाहिए। तो ये देखिए एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू, ठीक है, तो कहता है ये मॉडिफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्स्ट है।
तो इस करके ये पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा और भी हमें चीजों का ध्यान देना चाहिए कि हाँ, तो अब हम आगे करते हैं कि तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस केस में यहाँ पे एक और कॉल भी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 30, HCF और एक और, तो इसके अंदर वो कौन सा TXPR वाला फंक्शन तो आ ही सकता है। ये देखें, अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये वैल्यूज, इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब 30 और 5 और 25 का जो आंसर आ रहा है उसका HCF निकाल रहा है। बट अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, जैसे मैं मान लो एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है इंट सम, ठीक है, और इस सम को मैं दो कांस्टेंट वैल्यूज ही पास कर देता हूँ, इंट ए और कॉन्स्ट इंट बी, ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा a+b, ठीक है। अब फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैंने कॉन्स्ट वैल्यू, अब इस फंक्शन को मैं यहां पे लिखता हूं, तो अगर मेरे पास HCF कॉन्स्ट एक्सप्रेशन है तो यहां पे मैं ऐसा नहीं कर सकता, या इसको ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ 5+25, और हाँ अब ये देखें कि यहां पे मैंने इसमें पहले 30 लिखा था, अब मैंने इसके लिए सम नाम का फंक्शन बना लिया, तो इस केस में हमारे पास ये एरर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, सम सॉरी प्लस नहीं आना था, कॉमा आना था, ओके। तो यहाँ पे आप देखें, ये इस केस में मुझे एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको रन, क्योंकि HCF वो एक्सपेक्ट करेगा कांस्टेंट वैल्यू, तो उस केस में ये हमें एरर देगा। एक मुझे इसको सेव कर ले, हाँ अब जी देखें, तो इस केस में इट कैन नॉट बी, यहाँ पे जो एरर आ रहा है कॉल टू अ नॉन एक्सप्रेशन फंक्शन, ये एरर दे रहा है कि आप इसमें नॉन जो EXPR वाला फंक्शन है वो यूज नहीं कर सकते। तो ये जो एरर आ रही है ये इस केस में हमें ये बता रही है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको यूज करें तो आप इस तरह से क्वेश्चन में ध्यान दें। उसी तरह हमें अगर पे ऐसे लिख देते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं, अब ये देखते हैं ये एरर क्या दे रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करेगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इसके अंदर वैल्यू तो कोई कांस्टेंट नहीं दी, बट वो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। ये इसलिए कहता है कि आर्गुमेंट्स भी इसके मस्ट बी ऑफ लिटरल टाइप। लिटरल टाइप का मतलब कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, मतलब नो डाउट है। अब यहाँ पे ऐसे लिख लें 5+10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको एवेल्युएट करना है तो यहाँ पे देखें, अब ये चल पड़ेगा, बट हम उसको एक्स की फॉर्म में वहां पे नहीं दे सकते। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको कैसे करना है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमने कॉमन पॉइंट्स पढ़े हैं, ये चीजों का सभी का ध्यान रखना है कि कॉन्स्ट EXPR के साथ कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें एक चीज इंपॉर्टेंट का ध्यान रखना है कि हम कॉन्स्ट EXPR को शुड बी ए नॉन वर्चुअल फंक्शन, ये हम अभी करा नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ऑर्डिनरी फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम जो कि लाइब्रेरी फंक्शन, अगर इसका अगर हम बात करें, एप्स अगर हमें 5 और जैसे हमने लिखा HCF, इसको काट देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको काट देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABS, बट ऑब्वियस है उसकी हेडर फाइल मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ चल पड़ेगा तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये चल रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है इसके अंदर हम ऐसी फंक्शंस की जो एक सिंगल वैल्यू को एवेल्युएट कर रहे हैं उनको भी लिख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका डिस्कस किया है कि कॉन्स्ट EXPR और कॉन्स्ट में क्या फर्क है और वो कहाँ कहाँ और कैसे सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं।